हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बात अब पलवल की, जहां के उपमंडल अधिकारी जितेंद्र कुमार ने रेडक्रॉस की टीम के साथ रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिविल अस्पताल और तमाम ऐसी जगह जहां लोग खुले में सो रहे थे, उनको कंबल बांटे गए। इस दौरान उपमंडल अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और रेडक्रॉस सोसायटी के साथ मिलकर रैन बसेरे शुरू किए गए हैं। साथ ही जो लोग बाहर खुले में सोने को मजबूर हैं, उन्हें हमारी टीम ने रैन बसेरे में भेजा। वहीं जो लोग चलने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें गर्म कंबल भी दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसी आदि कई जगहें हैं जहां पर यात्रियों को या फिर जिनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई यात्रा नहीं है, उन लोगों को खुले में सोना पड़ता है। तो ऐसे लोगों की पहचान करके हमने पलवल शहर के अंदर जो रैन बसेरे बना रखे हैं, जैसे हमारा बस स्टैंड है, जाट धर्मशाला है, ब्राह्मण धर्मशाला है, हम इन लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा बिल्कुल लाचार आदमी है जो यहाँ से नहीं जा सकता, तो उसको हमने कंबल वगैरह भी जो है दिए हैं, ताकि इस सर्द के मौसम में उनको किसी प्रकार की दिक्कत।